पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने दोस्तों फाइनली एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनकर फैंस के दिलों में एक अलग एक्साइटमेंट आ गया है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये एक ऐसा फैसला है जिसे कहीं ना कहीं द कपिल शर्मा शो में भी इफेक्ट होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोध, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। सो ऑल यू नवजोत सिंह सिद्धू एंड कपिल शर्मा के फैंस आउट देयर, आप लोगों के लिए हो सकता है ये खुशखबरी हो। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो है कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने दोस्तों सोशल मीडिया साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे भी बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे उन्होंने ये फैसला दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा होने लग गया कि डेफिनेटली कपिल शर्मा शो में इनकी वापसी हो रही है, इसी वजह से इन्होंने यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये कुछ ट्वीट्स हैं, आप खुद ही चेक कर लीजिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से सिद्धू पाजी के लिए दर्शक बहुत ज्यादा उत्साहित है और वो कह रहे हैं कि ये आपकी मेन पारी है, आप अपने मेन गेम में वापस लौट आए हैं, बहुत बहुत बधाइयां। वेल दोस्तों, लेट्स सी, मुझे लगता है कि यहाँ पर सिद्धू पाजी की जरूरत है कपिल शर्मा जी को, क्योंकि कपिल शर्मा का जो शो है वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी टीआरपी दे रहा था, बट अभी कहीं ना कहीं वो हिचकोले सा खा रहा है टीआरपी के चार्ट के मामले में। सो लेट्स सी मेकर्स क्या डिसाइड करते हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो भी है ही उनके साथ, बट उन्होंने टर्मिनेट करना पड़ा था क्योंकि वो कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी, राइट? तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और बताएं क्या आप चाहते हैं कि सिद्धू पाजी जो हैं वो वापस आ जाएं या फिर नहीं चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज है इसी तरीके की दिलचस्प बातें बताने के लिए।